हेलो ब्रोमन, और आज का अपना जो टॉपिक है वो अपना पूरा होने वाला है अब पैरालिसिस के ऊपर। और जो अब पैरालिसिस जो है ये अपने ब्रेकल प्लेक्सस का क्लिनिकल एनाटॉमी है, और इसके ऊपर से यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अब पैरालिसिस होता कैसे है। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रेकल प्लेक्सस का अपना डायग्राम दिखाता हूँ। तो अपन को पता है ब्रेकल प्लेक्सस में क्या होता है, ये ऊपर की तरफ अपना यहाँ पे C5 और C6 ये दोनों रूट मिलके अपना बनाती हैं अपर ट्रंक, और अपर ट्रंक से जो है अपनी दो ब्रांचेस यहाँ पे निकलती हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे अपना निकलता है सुप्रास्कैपुलर नर्व, और नीचे की तरफ अपनी निकलती है सबक्लेवियन नर्व। अब क्या होता है, अगर कभी भी अपन को इस पॉइंट पे अगर अपनी इंजरी हो गई, मतलब अपने अपर ट्रंक में जहाँ से अपनी दोनों ब्रांचेस निकल रही हैं, अगर उस पॉइंट में अगर अपन को इंजरी हो गई, तब अपन को हो जाता है अब पैरालिसिस। अब इस अब पैरालिसिस में होता क्या है, इसकी डिफॉर्मिटी क्या है, उसको समझाने के लिए मैं तुम्हें ये वाला एक पूरा पिक्चर दिखाता हूँ। तो अब पैरालिसिस में मेनली क्या होता है, अपना जो फोरआर्म जो है वो अपना एक्सटेंड हो जाता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है, अपना जो है प्रोनेटेड हो जाता है। अगर आपको मैं समझाऊं, ये जो है मेरा फोरआर्म है, तो मेरा फोरआर्म इस तरीके से पूरा एक्सटेंड होगा और पीछे की तरफ प्रोनेट हो जाएगा, और ये जो मेरी रिस्ट है ना वो अपनी पूरी फ्लेक्स हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से अगर आपको कभी डिफॉर्मिटी देखने को मिले, तो इस कंडीशन का अपन बोलते हैं अब पैरालिसिस। आप क्लियरली देख पा रहे हो अपना जो यहाँ पे फोरआर्म है वो एक्सटेंडेड है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है, प्रोनेटेड है, और अगर आप देखो यहाँ पे रिस्ट जो है वो अपनी फ्लेक्स है। और इस कंडीशन को जो है वो अपन पुलिसमैन टिप्स हैंड भी बोलते हैं, क्योंकि मेनली क्या होता है, जो पुलिसमैन अपना हफ्ता वगैरह जो लेते हैं ना, वो ऐसे चोरी छुपे लेते हैं पीछे से ऐसे हाथ करके, तो इसलिए अपन इस कंडीशन को बोलते हैं पुलिसमैन टिप्स हैंड। तो अब अपन बात करते हैं इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में आता है, तो इसको लिखने के लिए मैं आपको सजेशन करता हूँ कि आप मेनली BD84 से ही लिखो, क्योंकि BD84 में क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो उसको मैं पूरी तरीके से आपको समझाता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एक हेडिंग डालनी पड़ेगी अपने अब पैरालिसिस के ऊपर, फिर आपको लिखना पड़ेगा साइट ऑफ इंजरी, फिर आप डालना साइट ऑफ इंजरी की हेडिंग। तो साइट ऑफ इंजरी अपन को पता है अपर टर्म में कोई भी इंजरी हो जाएगी, तो ये इसकी साइट ऑफ इंजरी है। फिर आप लिखना कॉज ऑफ इंजरी, तो हमें कॉज ऑफ इंजरी याद रखना, या तो बाय बर्थ अपना अपर ट्रंक में इंजरी हो, या फिर कोई भी शोल्डर पे कोई चीज गिर गई, यहाँ पे फॉल ऑन द शोल्डर हो, या फिर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया देते हुए भी अपना अपर ट्रंक डैमेज हो जाता है कभी कभी। तो इन सारी कंडीशन में जो है यहाँ पे अब पैरालिसिस हो जाता है। फिर आपको लिखने का कॉज ऑफ इंजरी, कॉज ऑफ इंजरी के बाद आपको लिखना है नर्व रूट इन्वॉल्व, यहाँ पे कौन कौन सी नर्व रूट जो है अपनी इन्वॉल्व होती है ब्रेकल प्लेक्सस में। तो आपको यहाँ डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा होगा, अपना C5 और C6 ये दोनों नर्व रूट जो है वो अपनी इन्वॉल्व होती हैं अब पैरालिसिस में, और मेनली यहाँ पे C5 जो है वो मेनली यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। फिर अपन बात करें मसल पैरालिसिस, तो कौन कौन सी मसल जो है यहाँ पे पैरालाइज हुई हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जामिनर मेन फोकस आपका मसल पैरालिसिस पे देखता है। तो इसको समझाने के लिए मुझे फिर से आपको डायग्राम दिखाना पड़ेगा। तो आप ये देखो जो अपर ट्रंक जो है वही आगे जाके अपना बनाता है लेटरल कॉर्ड, और लेटरल कॉर्ड से अपनी एक ब्रांच निकलती है, वो है अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब क्योंकि यहाँ पे अपर ट्रंक में डैमेज हो गया, तो उससे आने वाली जो ब्रांच है वो उसके अंदर भी अपने डैमेज हो जाएगा। तो मेनली जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है अपनी बाइसेप मसल को सप्लाई करती है, क्योंकि यहाँ पे अपर ट्रंक में डैमेज हो गया, तो ये वाली नर्व में भी अपना डैमेज हो जाएगा, और उसके कारण अपना क्या होगा, यहाँ पे अपनी बाइसेप ब्रेकियलिस ये सारी मसल का जो है पैरालिसिस हो जाएगा। तो उसको याद करने के लिए मैं तुम्हें जिंगल बताता हूँ, याद रखना 3B याद कर लो, बाइसेप ब्रेकियाई, ब्रेकियलिस और ब्रेकियोरेडियलिस 3B। यहाँ पे 3B मसल का मेनली यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, उसके अंदर आप डेल्टॉइड मसल और जोड़ देना। पार्शियली पैरालिसिस जो है वो अपना सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सुपिनेटर मसल का जो यहाँ पे पार्शियली पैरालिसिस हो जाएगा। तो उसको अगर मैं ये वाला डायग्राम से दिखाऊं, तो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है यही नर्व अपनी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को सप्लाई करेगी। तो इसी के डैमेज के कारण यहाँ पे अपने सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल में पैरालिसिस हो जाता है। फिर यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है डिफॉर्मिटी, दूसरा होता है डिसेबिलिटी। अब याद रखना है डिफॉर्मिटी आप पेशेंट में देखते हो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, जो डिफॉर्मिटी जो रहता है ना वो आप पेशेंट में देखते हो, मतलब पेशेंट का जो, अगर मैं आपको फिर से बताऊं, जो अपना फोरआर्म है अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो अपना एक्सटेंडेड है और प्रोनेटेड है। अब यार पेशेंट तो आपको बताएगा नहीं कि उसका फोरआर्म जो एक्सटेंडेड है प्रोनेटेड है, वो आप देखोगे। तो डिफॉर्मिटी क्या होता है, वो आप पेशेंट में देखते हो, और डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो पेशेंट आपको बताएगा, मतलब वो डिसेबल है। तो याद रखना, जैसे कि जस्ट लाइक अगर मैं बताऊं, अगर अपना फोरआर्म प्रोनेटेड है पीछे की तरफ है, वो पीछे की तरफ क्यों है, क्योंकि वो ऐसे सुपिनेशन नहीं कर पा रहा अपने आर्म का, तो एक तरीके से उसकी डिसेबिलिटी हो गई। तो डिसेबिलिटी आपको पेशेंट बताएगा वो क्या चीज़ नहीं कर पा रहा, और डिफॉर्मिटी जो है आप पेशेंट में देखोगे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी वो है वो अपनी फोरआर्म की, कि फोरआर्म अपना एक्सटेंडेड होगा और प्रोनेटेड होगा। उसके अलावा जो अपना आर्म जो रहता है ना वो अपना एडक्टेड रहता है और मीडियली रोटेटेड रहता है,
और रिस्ट में आपको बताऊं वो भी अपनी इस तरीके से फ्लैग्स होती है रिस्ट जो है, ठीक है। देन फिर मैं आपको बताऊं ये वाली पूरी डिफॉर्मिटी को पुलिसमैन टिप्स हैंड भी बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देन फिर आती है डिसेबिलिटी की, तो याद रखना इसको याद करने की एक बहुत इजी ट्रिक बताता हूं। तो जो अपना डिफॉर्मिटी होता है ना उसी का जस्ट अपोजिट अपना होता है डिसेबिलिटी। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं जस्ट लाइक अपना फोर आर्म में कैसा था अपना, अपनी डिफॉर्मिटी क्या थी एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, तो वैसा क्यों है यहाँ पे डिसेबिलिटी क्या होती है, वो अपना फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन अपना फोरआर्म नहीं करवा पाता, मतलब इस तरीके से वो सुपिनेशन नहीं करवा पा रहा, इसलिए अपना फोरआर्म जो है प्रोनेटेड है। और अपना एक्सटेंडेड क्यों है, क्योंकि वो फ्लेक्शन नहीं कर पा रहा। उसके अलावा आर्म जो है वो अपना लेटरल रोटेशन नहीं कर सकता और अपना एबडक्शन नहीं करता। उसके अलावा बाइसेप एंड सुपिनेशन जर्ग जो है वो लॉस हो जाता है। तो पूरा मैंने जो है आपको अपना अपैरालिसिस बता दिया और आपको कुछ इसी तरीके से इसको यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिख के आना है।